मुझे वोट देंगे आप? किसकी तरफ से? मैं अपने खुद ही तरफ से। अच्छा आदमी आएगा उसके लिए? मैं अच्छा आदमी नहीं लग रहा आपको? मेरे अंदर क्या मसला है? वोट उसको डालेंगे जो आदमी काम करने वाला है। सारे काम आते हैं, काम करते हैं मुझे, मुझे कपड़े धोने भी आते हैं, बर्तन धोने भी आते हैं, सारे काम आते हैं। फिर आप घर में काम कर ले, बल्ला बना देंगे, बल्ला को डालेंगे। मियां साहब की शक्ल ऐसी है जैसे कद्दू को बुखार होता है। मियां साहब देख लें, ये करेले के मुंह वाले जैसे लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो आवाम का भी सोचते रहे हैं कि क्या है कि मेरी आवाम भूखी तो नहीं मर रही। जनाब इन्होंने मान लिया है नवाज शरीफ करप्ट, आपने भी कहा है। कहने का ये मतलब है अगर खाता है तो लगाता भी है ना? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख काज़िम मुराद, देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल शेखियाँ। मैं आज फैसलाबाद आया हूँ एक टॉपिक लेकर, वो ये कि मैं फैसलाबाद के लोगों से ये पूछूंगा कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे अपने शहर का पता था मगर फैसलाबाद का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ के लोग किस को सपोर्ट कर रहे हैं, और आज हम यहीं देखने आए हैं, ये पूछेंगे लोगों से कि उनकी क्या राय है। चले जी, मेरे साथ विभाजन बैठ बैठे हैं, बल्कि मैं इनके पास आके बैठ गया। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बड़ा साल बड़ा कर रहे हैं सर। मुझे बताया मैं फैसलाबाद आया, आपको पता है? कैसे पता चला? बस जैसे आप इंटरव्यू या आपकी इस तरह पता लगा। मैं भाई अब मैं फैसलाबाद में हूँ तो मैं फैसलाबाद ही आया हूँ ना, और किधर आना है मैंने? जाहिर बात ऐसी। हाँ अच्छा, मुझे बताएं, मैं ना टॉपिक आज मैं लिए लेकर आया कि यार फैसलाबाद के लोग किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, किस पार्टी को वोट देंगे? देखिए जी, हमारी तो यही नज़रिया है कि जो हमारे पाकिस्तान की मैशियत को और हमारी महंगाई को कम करेगा ना, हमने तो उसको वोट देना, सीधी सी बात। फिर तो ये ना करने वाली बात है, कोई भी नहीं कर सकता, जितने हालात ख़राब हो गए नहीं ठीक हो सकते। लेकिन जी अल्लाह सबसे बड़ी दात तो अल्लाह ताला की है। हाँ, उसे ही नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी से कि ये जो पार्टियाँ ये कर सकती हैं। मगर वादा सबने किया। हाँ वादा सब गई। किसके वादे पे मानेंगे? 20 साल से यही वादे चले आ रहे हैं और पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन रोनी हुए हैं। हाँ। तो अभी तो यही सूरत है, लेकिन अभी ये इसी कन्फ्यूजन में ही है कि किसको वोट डालना, कोई समझ से बात नहीं आ रही ना, मुझे भी नहीं आ रही सीधी से बात। कोई कोई पता नहीं है, 8 फरवरी को इंतखाबात है, कोई आइडिया नहीं है किसी को वोट डालना है, कोई समझ से बाहर है। बस इनसे कोई एक्सेप्ट नहीं है, हमें नहीं उम्मीद है कि ये हमें करके देंगे। फिलहाल अल्लाह की सपुर्दी है, वही अल्लाह ताला की रब्बुल इज्जत आजाद ये मुल्क चला रहे हैं, तो इन हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। चलो चलो, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का। हालात नहीं ठीक, आप कैसे? ठीक सब कुछ शुक्र अल्लाह, हालात भी ठीक है, घर चीज। अच्छा मुझे बताया, मैं ये देखने मैं पूछने आया यार, फैसलाबाद के लोग यार किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, क्या बनेगा? सपोर्ट तो किसी ने नहीं है, ये जो हालात है जो उन्होंने किया सपोर्ट किसी नहीं है। किसको वोट देंगे वैसे? वोट बनी नहीं है ये, ना करें कहाँ गए वोट आपको? जाया हुई है। जाया क्यों हो गया, क्या किया? बस जो हाजी हो गया ही। क्या हुआ है? जो कुरान सही है, पाक पत्ते से वोट के नु पाई है। ओ नहीं, कुछ तो करना है ना, वोट तो किसी को तो डालना पड़ेगा ना। जो तो इलेक्शन हो गई 2 फरवरी 8 फरवरी इलेक्शन है, सोचांगे कनु पानी है कनु नहीं वोट पानी। तो 8 आ जाएगी ना, कितनी दूर है 8? तो फिर सोचेंगे ना फिर किसको वोट पानी है। मुझे बताएं आपका वोट बना हुआ है या फिर अभी आप 18 साल के नहीं हुए? नहीं ये बना 70 साल। अच्छा वोट मान चुके हुए हैं। 18 के नहीं हुए अभी आप? नहीं। तो मुझे बताएं कि आप वोट किसको डालेंगे? नवाज शरीफ को। हैं? हाँ जी। सही बात है, सही बात है। क्या वजह? क्या बस वजह कोई नहीं। भजन आप किसको वोट डालेंगे? वोट इमरान खान का। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन इमरान खान आएगा, वोट इमरान खान तो है ही नहीं, वो तो आएगा तो इलेक्शन हो गए, वैसे इलेक्शन ही नहीं होने, आप भी इधर हम भी इधर, इमरान खान बाहर आएगा तो इलेक्शन हो गए, वैसे कैसे इलेक्शन करवाएंगे? ये पार्टी तो दोनों अपन पे करा लेंगे, जो इनकी मर्जी वही होना है। वो तो फिर डंडा गाड़ के जो फौज करवाएगी वो सारा कुछ हो जाएगा, यही बात है। वहाँ पे इलेक्शन छोड़े जाए तो फिर तो यही बात है ना, फिर पार्टी दोनों आमने सामने हो तो फिर ही है, यही बात है ना। किसका वोट है? नून लीग का सर। नून लीग का? नून लीग? अरे ये क्या हुआ है, आप पीटीआई की, आप नून लीग के? ये क्यों यार, इनको घर कोई नहीं पूछता तो बाहर किसने पूछना है इनको? नून लीग जो है ना वो बंदे अच्छे हैं, नून लीग वाले, कारोबार उनकी वजह से चलता है, घरों के चूल्हे उनकी वजह से चलते हैं, ये पीटीआई बैच सॉरी यार नून लीग को सपोर्ट देंगे, क्योंकि हमारे बड़ों ने भी नून लीग को वोट डाली है, हम भी नून लीग को डालेंगे, हम जैल हैं नून लीग की, नून लीग के लिए मर भी सकते हैं। वाह 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 वाह, ये आप दोनों, अरे अरे आप दोनों दोस्त हैं, दोस्त हैं दोस्तों, तो एक पीटीआई का सपोर्टर एक नून लीग का, ये कैसे?
बस अपनी चॉइस, आप लोगों की आपस में बहस नहीं होती? नहीं बहस नहीं होती, हमने कभी लड़ाई नहीं होती, एक दूसरे को झुकते नहीं मारते, नहीं सुलझे हुए बच्चे। क्या हुआ, परेशान हुए और है ना, तो मुझे तो परेशानी दूर हो जाएगी ना, ये 8 को इलेक्शन है तो किसको वोट डालेंगे? वोट, हाँ वोट अभी सोचेंगे किसको डालेंगे, अभी तो टाइम नहीं रह गया, टाइम कम रह गया, माइंड नहीं है किसी को देने का, माइंड नहीं है, कोई आदमी नहीं है जो अच्छा हो काम कर रहा हो, है ना। अच्छा अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ मुझे वोट देंगे आप? किसकी तरफ से? मैं अपने खुद ही तरफ से अपनी पार्टी बनाऊँ। कोई अच्छा आदमी आएगा उसके लिए? मैं अच्छा आदमी नहीं लग रहा आपको? मैं अच्छा आदमी नहीं लग रहा, आदमी तो सभी अच्छे लगते हैं, तो फिर मुझे वोट नहीं देंगे? वोट तो देंगे लेकिन वोट हो माइंड वाला तो फिर मैं माइंड वाला नहीं हूँ। आप मेरे अंदर क्या मसला है? आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गए, लेकिन कंफ्यूज नहीं है, हम वोट उसको डालेंगे जो आदमी काम करने वाला हो। मैं काम करने वाला हूँ, मैं सारा दिन काम करता हूँ, मैं शूट करता हूँ, एडिट करता हूँ, ये शूट करना अपलोड करता बात है, ये जो काम करना क्या काम कर, मुझे सारे काम आते हैं, काम करते हैं मुझे, मुझे कपड़े धोने भी आते हैं, बर्तन धोने भी आते हैं, सारे काम आते हैं। फिर आप घर में काम कर लेना यार, मुझे काम तो आते हैं ना यार, क्या हो गया? आपने कहा काम कर ले, आपने कहा काम करने वाला बंदा हो, तो मैं बता रहा हूँ मैं काम करने वाला बंदा हूँ, मुझे नहीं वोट डाले। चल कोई बात जनाब, आप किसको वोट डालेंगे? नून लीग को। वेरी गुड, वेरी वजह बता दें। शुरू तो नून लीग नु पांदे आ रहे हैं, नून लीग नु ही पाणी है। फैसलाबाद किसको वोट डालेगा तो मुझे बताएं, आप किसको वोट डालेंगे? इमरान खान हैं, इमरान खान अगर इलेक्शन में ना हुआ फिर भी इमरान, वोट इमरान खान का ही बल्लेगा ये। बल्ला ना हुआ बैलेट पेपर पे, क्या बैलेट पेपर पे बल्ला बना के डालेंगे? बल्ला बना देंगे, बल्ले को डालेंगे। ये ठीक है, क्यों यार वो क्या कहते नवाज शरीफ इतनी दूर से आया यार इसी काम से यार कि मैंने वजीर आजम बना, उसको क्यों नहीं डालेंगे? नहीं बल्ले के डालेंगे, इमरान खान को। फिर वो इतनी दूर से आया यार, वो बेचारा ठीक है अपने, वो बेचारा इसलिए नहीं डाला उसको। नहीं नहीं उसकी बेटी मरियम नवाज इतनी प्यारी है, उसको क्यों नहीं वोट देंगे? उससे प्यारा इमरान खान। वो कौम के लिए खड़ा है। नहीं इमरान खान की आवाम के लिए खड़ा है। डील क्यों नहीं कर रहा? वो ना बिकेगा ना झुकेगा इंशाल्लाह, है ना। ये क्या क्या वजह, ये मुझे पाकिस्तानी नहीं लगता। पाकिस्तानी अगर पाकिस्तानी नहीं होता तो पाकिस्तान से बाहर भाग जाता, जैसे नवाज शरीफ भागा था। कैसे जनाब, ठीक है? ठीक है आप? हाँ इधर क्या कर रहे हैं? जॉब है। अच्छा काम करते हैं जी, तो मुझे बताएं आप वोट किसको डालेंगे? इमरान खान। इमरान खान चेयरमैन अब नहीं रहा, ठीक है, इमरान खान इलेक्शन में नहीं है, चेयरमैन पीटीआई का और कोई हो गया, अब किसको वोट डालेंगे? इमरान खान। इमरान खान जेल में है, इमरान खान का वोट है। हैं? इमरान खान का वोट। पक्का? पक्का। हैं? अगर आप उन्होंने कहा कि जो पीटीआई को लोग वोट डालेंगे वो बाहर ना निकले, फिर क्या करेंगे? घर में रहेंगे। वोट ऐसे डालेंगे? इमरान खान को डालेंगे वोट। घर में बैठ के मुझे बताएं, फेसबुक पे इलेक्शन नहीं हो सकता क्या? फेसबुक पे वोट डालें? इमरान खान का वोट है। चलो ठीक है, मुझे बताएं कि ना मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं बल्कि मैं पूछ रहा हूँ फैसलाबाद में लोग किसको वोट डालेंगे? ये नून लीग को डालेंगे सब, सब इंशाल्लाह सारे। हाँ जी विन करेगी। हैं? हाँ जी सब को आजमा लिया हमने, क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप। वैसे तो नून लीग कह रही है हमें लोगों के ना वोट की जरूरत है, हमारी बात हो गई ये बात, ठीक है? नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं वो कह रहे हमारी बात हो गई, चलो आवाम लेके आएगी। नवाज शरीफ फिर लंदन भाग गए, फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं भागेंगे, पक्की बात है जी, बिल्कुल वादा। वादा बिल्कुल, वादा आप क्यों करें, नवाज शरीफ करें ना वादा, उनका भी करवा लेंगे। आप आ गए हैं इंशाल्लाह ताला, अब नहीं जाते कहीं। कैसे जना, ठीक ठाक? हाँ शुक्र अल्लाह का, सही चल रहा है, ठीक है, गुड है, गुड। खुश है? हाँ, आप क्यों खुश है, बाकी लोग तो नहीं खुश? हम मुलाजिम है ना तब खुश है, हमारी तनख्वाह पक्की पक्की है। अच्छा अच्छा मुझे बताएं कि फैसलाबाद के लोग वोट किसको डालेंगे, किसको सपोर्ट करते हैं? पीटीआई को। तो लोगों की यही है, अगर इमरान खान रहा होगा बाहर आएगा तो फिर ही है ना, फिर इलेक्शन हो गए। नहीं तो आपको अगर मौका मिला आपको वोट डालने का, अगर मिला किसको डालेंगे?
हम तो मियां साहब को डालेंगे जी। मियां साहब आप किसको डालेंगे? पीटीआई को भाई। नहीं, आप एक ही जगह काम करते हैं दोनों, तो एक नून लीग का एक पीटीआई का, ये क्या आप लोगों की बहस नहीं होती आजकल? अपना अपना माइंड है ना सबका, उनका माइंड नून लीग से मिलता है, हमारा माइंड पीटीआई से मिलता है। यूथ जो है यंग आजकल बच्चे, इमरान खान को क्यों सपोर्ट करते हैं, नवाज शरीफ को क्यों नहीं पसंद करते हैं? ओल्ड लोग हो गए ना, पुराने लोग, उनको दिखना बंद हो गया थोड़ा सा, नजर नहीं आ रहा, फ्यूचर नहीं नजर आ रहा पाकिस्तान का, इसलिए वो नून लीग की तरफ ही अभी तक। नहीं, आप एनक ही नहीं यूज कर लेते? वो तो कह रहे हैं सही है। नहीं, आप चाहे आप किसको वोट देंगे, आप किसको वोट देंगे? मैं क्या कहते हैं, जो ज्यादा पैसे देगा। नहीं, ज्यादा पैसे तो कोई भी नहीं देगा आपको। नहीं, मैं वो तो हुक्मरान आई को नहीं जो आपको पैसे ज्यादा दे। मेरा वोट है फ्री का थोड़ी है, वोट तो अपनी हैसियत अपनी जात का होता है ना, पैसों का वोट दिया तो फिर वोट को क्या हुआ वो? होए होए होए, ये भी बात सही के, हाँ। अपने दिल की चीज होते हैं, हम जो जिस पे मुतमईन होगा, हमारा दीन हमारा ईमान, उसको वोट देंगे ना। तो पैसे के लिए भेज दिया फिर तो वो आपने अपना भी भेज दिया उसके साथ। बात तो सही है, बात तो सही है, ठीक है। बिरयानी खा कर नहीं वोट देना है ना? वो तो अपने हक से डालेंगे। कैसे हैं जनाब, ठीक ठाक हैं? अच्छा, मुझे बताओ आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम मुस्लिम लीग को कर रहे हैं फिर से दोबारा। यानी आप नून लीग को? पहली बात है भरोसा कर रहे हैं, देखते हैं चार बाल मियां साहब के हो रहे हैं तो शायद उड़ जाए। अगर देखिए सोच में मियां साहब कर रहे हैं कोशिश, ये अगर कोशिश जारी रही तो उनकी एक साइड तो दरमियान वाली है तो दूसरी भी उड़ जाएगी। अगर दूसरी उड़ गई तो अगर इन्होंने गलत काम किया तो आम तो बहुत आगे उनके ऊपर वायरल कर रही है, गुप्त लगा रही है। लेकिन उनके ना फिर एक बार वायरल उनके मियां साहब की हुई थी तो उनके ना एक जूता भी आया पर, तो उनको ना जूती का बदला लेने के लिए अब मियां साहब आवाम की खिदमत करने के लिए वापस आ रहे हैं। इतनी इसका मतलब आपका कहने का होता है मियां साहब के? अब नहीं, मियां साहब के ना अकल ठिकाने पे आ गई है। अच्छा, क्योंकि इसलिए कि अवाम का ना जूता उनकी अकल पर पड़ा है, ऊपर ऊपर पड़ा है। वो भी अच्छा बंदा था क्योंकि मियां साहब को वापस ले आने के लिए मुतमिन हो रहा था कि मियां साहब वो ही वक्त लेकर आओ जो पुराना था, जो लाहौर के आपने मेट्रो पुल सिस्टम चलाया था ना, वो ही लेकर आओ, आप वो बनाओ। अब मियां साहब कह रहे लंदन जाकर सोचते रहे किसने मुझे जूता लगाया था, किसने लगाया था। वो सोचते सोचते अब जो फैसलाबाद पे पाकिस्तान आए तो वो पाकिस्तान में आके तकरीर की तो शायद अकल ठिकाने आ गई। मैं तो वो जूता लगाने वाले को सलाम कहता हूँ कि आपने ना शायद मियां साहब को अकल दे के आए। तो मियां साहब इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं अपनी। अच्छा, मैं मियां साहब की शक्ल कैसी है? मियां साहब की शक्ल ऐसी है जैसे कद्दू को बुखार होता है। वैसे फिर भी कोशिश करते हैं मियां साहब को इंशाल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं। मियां साहब आपके कैसे वकील के बूट जैसा मुँह है, तो आप कोशिश करें इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं आप जुगतों से ही, आपको जुगतों से शर्म आ जानी चाहिए कि आपको ऊपर कितनी कितनी जुगत हो रही है कि और ना हो जाए, आप मुल्क अच्छा कर दें, सुधार दें, वरना मुल्क ने जितनी पब्लिक है आप पहले से आलू हो और आपकी आलू की चिप्स बना दें। सुन लें मियाँ साहब। हाँ। लेकिन इंशाल्लाह मियाँ साहब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा भरोसा ना तोड़ना, तो आवाम का भी आपके साथ भरोसा है। मियाँ साहब देख लें, ये करेले के मुंह वाले जैसे लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं कहता हूँ हाँ। जो ले रहे हैं उनका अपना है, ऐसे जैसे परसों की खुसरी बीमार हुई होती है। ये चले ठीक है आपके ना, खैर परसों की क्यों हुई होती है, कल की क्यों नहीं? नहीं, परसों की इसलिए क्योंकि कल का उसका फंक्शन था। अच्छा अच्छा अच्छा, परसों की बीमार, ठीक है। अच्छा अच्छा भाईजान, ये नून लीग के बड़े सपोर्टर मुझे लग रहे हैं, क्या वजह? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वजह खाना खराब कर गए हैं मुल्क का, ऐसा खाना खराब करके गए हैं, ऐसा बोहरान ला के आए हैं, हर इंसान इस टाइम खाने से आवाज़ार है। तो मुझे बताएं, ये इमरान खान को जुगत को मारना चाह रहे हैं? ओ पाना में होते हो कि वो भी जाया हो नहीं है। देखे जी सर, उतने गाल कर लो या जो मर्जी कर लो, अपनी जुबान गंदी करनी है, लेकिन बहुत गलत करके गया। क्या क्या करके गए? खाना खराब कर गया मुल्क का, और क्या करना हो, आप किसको कहते हैं? अच्छा, इससे आगे क्या रह जाता है? ठीक है, खाना खाने से लोग आवाज़ हो गए, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, इस जैसे
इंसान फिर कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इमरान खान जो है वो अपने हिसाब में बैठा हुआ है, इमरान खान बैठा हुआ है, ये नहीं देखते उनकी जो मुल्क के हालात है, वो पीछे से लड़ रहे हैं कि इमरान खान की तरफ से लड़ रहा है, कोई नवाज शरीफ की लड़ रहा है, कोई नवाज शरीफ की गंज कर चुड़िया लगा के तिखी कर रहा है, कोई इमरान खान के खान के नुक्ते उड़ा रहा है, दोनों के क्या मसलन क्या कर सकते हैं, दोनों की सुलह कौन, वो नवाज शरीफ करा सकता है या इमरान खान करा सकता है, कुछ भी नहीं करा सकते। वो खुद एक जेल में सड़ रहा है, दूसरा लंदन में अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था, आज उनको बेइज्जती महसूस हो या पाकिस्तान आ चुका है। बाकी नवाज शरीफ हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह मियां साहब। यार मुझे मुझे बताएं, पहले जब पीपल्स पार्टी बड़ा कहती होती थी नवाज शरीफ जिंदाबाद, अब क्यों गालियां निकाल रहे हैं? पीपल्स पार्टी जब तक रही है उन्होंने बेनजीर के नारे लगाए हैं, मुस्लिम लीग रही है उन्होंने नवाज शरीफ के नारे, अगर मान लेते हैं कि वो करप्ट है, करप्ट है, लेकिन वो आवाम का भी सोचते रहे हैं कि क्या है कि मेरी आवाम भूखी तो नहीं मर रही। जनाब इन्होंने मान लिया है नवाज शरीफ करप्ट है, आपने भी कहा है मान नहीं लिया, एक आपको इनका यकीन नहीं है, कहने का ये मतलब है अगर खाता है तो लगाता भी है ना? बिल्कुल। हाँ तो फिर खाओ, अपने जेब से लगा ले ना, अपने जेब से लगा ले। जी जना, आपने फैसलाबाद के लोगों की राय सुनी और मिक्स हैं, ठीक है, कुछ लोग नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ मुझे शेख कासिम को इजाज़त दीजिए, कीप वॉचिंग शेखियाँ।